एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना नाहन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाहो बिखम नदी जाए तरनी से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सजी हुई वडभागी साध संगत सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है इस पाक घड़ी सत्संग की सानू प्राप्त हुई है। अज जो इस अस्थान तो सतगुरु जी ने भगत कबीर जी की रसना तो उचारिया होया शब्द सानू हुक्मनामे के रूप में बख्शिश किया है उस शब्द की विचार आप पिछे कई बार सरवण कर चुके हैं। कबीर जी का विचार ये है कि धर्म ग्रंथां नूं केवल पढ़ी जाना सुनी जाना विचारी जाना यह साडे जीवन का मनोरथ नहीं है। इन्हां नूं पढ़न दा सुनन दा विचारन दा मतलब यह हुंदा है कि साडे अंदर ज्ञान पैदा होए। किहड़ा ज्ञान असी हाँ की साडा मूल की है कित्थों आए हाँ कित्थे जाना है की लैके आए सी ते की लैके जाना है। ये संसार है संसार दे नाल साडे संबंध किहो जिहे होने चाहिए हैं। रब है परमात्मा है परमात्मा दे नाल साडे संबंध किवें होने चाहिए हैं। जीवन का मनोरथ की है करना की है आपां आके इत्थे केवल यही तो नहीं कि हसना खेडना खा लिया पी लिया सौ लिया मौत भुली पई है सो कितें अजिहा भुलेखा तो नहीं सानू है। सो धर्म ग्रंथां नूं पढ़न दा सुनन दा विचारन दा मतलब यह है कि सानू एक ज्ञान होवे सोझी होवे किवें मिलना उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं। सो वो सारी गल कबीर जी ने अज दे हुक्मनामे दे विच समझाई है कि हे प्यारिया जे पढ़ सुन के विचार के अंदर तेरे ज्ञान ही नहीं पैदा होया समझ नहीं आई कि मुख गल केड़ी है मुख गल है नाम जपना तो तू नाम तो जपदा नहीं है काम वो करी जा रहा है जिन्हों का तेनों कोई जीवन दे विच लाभ नहीं है। सो दस जिहड़े काम तेरे जिहड़े काम करदा है तू धर्म दे नाम दे उत्ते जे उन्हां दा फल ही कोई नहीं मिलना तेनों तो फिर तेनों करन दा की फायदा है। इस करके चंगी गल ये है कि अपने अंदर ज्ञान का दीवा जगा लै जिस दे अंदर ज्ञान का दीवा जग पैंदा है उस दे चानण दे विच इंसान अंदरों ही वाहिगुरु परमेश्वर प्राप्त हुंदा है। वो वाहिगुरु साडे अंदर है अज्ञानता दे हनेरे करके उस दी सोझी नहीं है। सन पर्दा पाया होया है माया दा इस माया दे पर्दे ने उसनू साडे तों ओले कीता होया ये अज्ञानता दा पर्दा
माया का पर्दा होमे का पर्दा जो है इस नूं दूर करना इस नूं विच्चों हटाउणा यही धर्म ग्रंथां नूं पढ़न का मनोरथ है। फिर कबीर जी ने अपना तजर्बा दस्सिया कि असी तां एक गल गुरु दी पकड़ ली है कि परमेशर नूं मिलिया जा सकता है नाम जप के। जिवें जिवें नाम जपांगे तिवें तिवें उसकी नेड़ता प्राप्त होई जाएगी। कहिंदे सानू तां इह समझ आ गई, सानू वो दूजे कर्म जिहड़े लोकी कर रहे हन जां कबीर जी भी हो सकदा पहलां करदे होण, वो हुण सानू उहनां दा कोई फायदा नहीं दिसदा है। इस करके असीं तां एक गल ही पकड़ ली है, जे असीं लोकां नूं समझाउंदे हाँ कि भाई तुसीं वी इदां करो, तुसीं वी नाम जपया करो, तुहाडा वी भला हो जाएगा, पर वह गल मनते नहीं हैं। अगों मजाक करते हैं कि इन्ने चिरां तों पुरातन रवायतां बनिया हुई हैं कि तीर्थां ते जाना है, इशनान करना है, ब्राह्मणा नूं दान पुन करना है। सो ये जड़ियां गल्लां हैं कि तुसीं किवें इन्हां दा खंडन करी जा रहे हो। फिर कबीर जी ने आखिर आख्या है कि नहीं तुसीं मनते तो ना मनो, मैनू इस गल दे ना कोई मतलब नहीं है, मैनू सोझी हो गई है। एक होर अग्ञानता की गल उत्थे फैलाई हुई सी कांशी दे विच कि जिहड़ा कांशी विच मरे वो शिवपुरी विच जांदा है, जिहड़ा मगहर मरे मगहर दे विच मरन वाला खोते दी जूने पैंदा है। कबीर जी ने यह भी भरम उन्हां दा दूर कर दिता, अखीरली उम्र दे विच वह कांशी तो उठ के मगहर चले गए। लोगों ने बड़े हैरान हुए लोग कि कबीर जी नूं की हो गया, ज्ञानवान सन ते इह उत्थे चले गए जिथे मरन वाला बंदा खोते दी जून पैंदा है। कबीर जी कहिंदे हन कि फिर नाम जपण दा की फायदा है जे खोते दी जून च ही पैना है। तां मैं तां नाम जप के उस वाहिगुरू परमेश्वर नूं खुश कर लिया है, हुण मेरा जन्म मरन ही उस वाहिगुरू परमेश्वर ने कट दिता है। चाहे मैं कांशी विच मरां चाहे मैं मगहर दे विच मरां, ये मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। सो इस तरह के जिहड़े भरम पाए हुए सन लोगों इन भरमां तों कबीर जी ने वो साडी सुरती उच्ची चुकी है कि असी भी ना किते अजिहे भरमां दे विच वहमां विच पै रही है। अज अस्सू दा महीना चढ़िया है, अस्सू दे महीने का जो बारहवां दे विच उपदेश है साडे वास्ते, आओ प्यार दे नाल वो आप सरवण करते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहिबंग गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहिबंग गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहिबंग गुरप्रसाद। सतनाम वाहे गुरु जी असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिया हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आण मिलावै माए संत सहाई प्रेम के, हों तिनका लागां पाए विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाहीं जाए। जिन्नी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, आप त्याग बिनती करहै लिहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतहे ना जाए, प्रवण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए। असू सुखी बसंदियाँ जिन्ना माया हर राए, असू सुखी बसंदियाँ जिन्ना माया हर राए।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असूदा महीना, इस दे बारे एक आम कहावत है, असू महा नराला दिने धुप्पां ते रात नूं पाला। भादों दे तड़के, भादों की गर्मी, अत दी गर्मी हो गई, कदे फिर मीह आ गया, फिर गर्मी हो गई, फिर मीह आ गया। हुमस हदों ज़्यादा वध जाती है भादों के महीने, सौण के महीने मीह पैण करके धरती अंदरों पड़ास छड़दी, अपनी गर्मी नूं बाहर कढ़दी है। इस करके भादरों के महीने दे विच ये हुमस बहुत ज़्यादा वध जाती, इस करके इसनूं भरम भलाणियां का महीना कहा है। जिवें कदे एकदम ही मीह पैंदा है, ठंड पै जाती है, फिर गर्मी हो जाती है। इस तरह इंसान भरमां दे विच भुलिया रहिंदा है। भरम के कारण कदे तां शेर बन जाता है तो कदे बिल्कुल ही गिदड़ तों ही थले आ जाता है। कदे कहिंदा है कि मैं तां हुण रब नूं मिलना है, कदे कहिंदा की लैणा है मिल के। सो इस तरह मन जिहड़ा है इसका टिकाओ नहीं है। ये भादों के महीने के महाराज ने यह गल समझाई कि जे तुसी चाहते हो कि ये अजिहियां भरम भलाणियां विचों निकलिया जाए तो गुरु की शरण में पै जाओ। जिहड़े गुरु की शरण में पै रहे, गुरु की संगत करते रहे, बाणी नाल जुड़े रहे, अमृत वेले उठ के नाम जपते रहे, उन्हां दा यह महीना सुख वाला लंघिया है, चढ़दी कला विच लंघिया है, गुरु ने जोड़ के रख्या। हुण असू दा महीना आया है, मौसम बदल गया है, उस महीने विच बाणी पढ़नी, नाम जपना, कई विघन पैंदे सन, शरीर नूं पसीना आउंदा सी, गर्मी लगती सी। सो इस करके कई कारण बनते सन, कुदरत वालों ही अजिहे कारण बनते सन। असू का महीना बड़ा सुहावना है, जिवें चेत का महीना सुहावना है ना, इस तरह ही यह महीना बड़ा सुहावना महीना है। इस दे विच ना गर्मी हुंदी है ना सर्दी हुंदी है। जदों मौसम अजिहा होवे, इस मौसम का साडे शरीर के उत्ते भी असर पैंदा है। जदों साडा शरीर यह महसूस करता है कि हुण मौसम वधिया है, उस वेले अजिहे मौसम दे जिवें लोग वेंदे रहिंदे हन कि मौसम ठीक होवे तां असीं आह कम करांगे, असीं आह कम करांगे। इस तरह ही गुरु दे मार्ग ते चलण वाले गुरसिख ने भी यही कुछ करना है कि सुहावना महीना आ गया, मौसम बदल गया है, हुण मैं भी हुण वध तों वध कमाई कर लां, नाम दी संच लवां, इस धन नूं आपां इकट्ठा करना है ना। लोगों के पैसे बाहर बैंकों विच हन, वह पता नहीं किहड़े गौरमेंट ने जब्त कर लेने, इन्हां नूं किहड़े वे कह देना है कि भाई ताडा कुछ नहीं है, सेफ तां नहीं है ना। पर जिहड़ी नाम दी बैंक है, साडा हिरदा है, साडा अंदर है, जदों असीं एक वारी भी वाहिगुरू कहिंदे हाँ तां समझ लो साडे अंदर बैंक दे विच तुसीं एक डालर समझ लो, एक पाउंड समझ लो, एक रुपया समझ लो, वह जमा हो गया है अंदर। जिन्ना कहांगे उन्ना धन वधी जाएगा अंदर। ये हुण साडे वस विच है कि किन्ना क बैलेंस आपां बनाउणा है अंदर अपने ये अंदरले बैंक दे उत्ते, इन्हें साडे काम आना है, इस धन ने काम आना है। इस करके महाराज ने इस धन नूं ही इकट्ठा कर ली कहा है। जां दूजा है वह मारे कहिंदे कि इन्हें नहीं तेरे नाल निभणा। सो जिथे संसारी व्यवहार करने हन, जिथे आपां सोचते हाँ कि मेरे को चार पैसे इकट्ठे हो जाण औखे वेले काम आउणगे, इस तरह ही इंसान ने यह भी सोचना है कि मेरे को नाम धन होना जरूरी है, मैं भी नाम धन इकट्ठा कर लवां। दो ही समय हैं जिहड़े इस धन नूं इकट्ठा कर लई हन गुरसिख दे कोल। एक तो है अमृत वेला, जिस वेले लोकी सुत्ते हुंदे हन उस वेले जाग पैणा, उस वेले रब दे प्यारे जागदे हन। सारा माहौल इस रचना का सारा ही बहुत वधिया बनया होया हुंदा है। जदों रब दे प्यारे जागदे हन तां जिहड़ियां वाइब्रेशनस उन्हां दे अंदरों उत्पन्न हुंदियां हन, उन्हां दा फिर प्रभाव जिहड़ा है सारी सृष्टि दे उत्ते पैंदा है। उस वेले असुर शक्तियां जिहड़ियां हन उह सुत्तियां हुंदियां हन,
उस वे देव शक्तियां का पैरा हुंदा है। सो जिहड़े उस वे जाग पैंदे हन ओह एकाग्रता भी उन्हां दी बनदी है, ते नाल एकाग्रता दे नाल जदों नाम जपिया जांदा है तां उहदा सीधा ही साडे अंदर असर पैंदा है। साडे उह समझ लो साडे अंदरले बैंक दे विचों जपिया होया जमा हुंदा जांदा है। महाराज ने वचन किया है, गुरु रामदास पातशाह ने, हर भगत अमृत वेला वत्तै बीजे का खाए खर्च रहे निखो कह नहीं। जे रब दे भगत हुंदे हन वो सवेरे अमृत वे उठ के इकट्ठा कर लेंदे हन, बस वो जड़ा जमा हो गया सारा दिन उसे नूं वरती जांदे हन, फिर नहीं मुकदा, सवेरे अगले दिन फिर इकट्ठा कर लिया। सो खावें खर्चें रल मिल पाई तोट ना आवे वध हो जाए। फिर उन्होंने महाराज ने सिख्या दिती है कि इकट्ठा करके रख ना छड्यो, इहनू वरत भी लिओ, वरता भी दिओ, आप भी वरतो दूजिआं नूं भी वरताओ। जदों इस तरह आप वरतदे हन दूजिआं नूं वरताउंदे हन इह होर वधदा जांदा है। जे साडे कहे दे उत्ते कोई होर नाम जपण लग पवे, साडी प्रेरणा दे नाल पंज दस जणे होर नाम जपण लग पैण, इस पासे लग जाण, ते उहदा फल सानूं भी मिलणा है। महापुरुष संत करतार सिंह जी क्या करते सन कि गुरसिखो जे तुसी एक शब्द भी किसी गुरसिख नूं सिखा दिओ है तो वह भाई गुरदास जी ने वचन किया है कि मानो किसी ने सत मंदिर उसारने हुण ना सोने दे दान करना, सोने दे मंदिर बना के दान करने हुण, इन्ना फल मिल जाता है। जे सानूं कोई शब्द आउंदा है तो किसी होर नूं सिखा दिए। हुण यही गल इत्थे है कि जे असी आप जुड़े हाँ किसी नूं नाल जोड़ देंगे तो महापुरश कहिंदे सन तुहानूं दसवां हिस्सा उहदी कमाई दा तुहानूं मिल जाणा है। जे दस बंदे लग पे इस पासे तो दस बंदयां दे विचों तुसीं देख लो, जे उहनां ने घंटा घंटा जपिया तो सारिआं दे कोलों तुहानूं जिहड़े हन उह दसवां हिस्सा जिन्ना बनदा है उन्ने मिंटां दा हिसाब जिहड़ा है वह तुहाडे खजाने विच वी जमा हुंदा जांदा है नाल, क्योंकि तुसां प्रेरणा कीती है। इस करके महाराज ने कहा आप जपो अब रह नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। इंज जिहड़े रब दे मार्ग ते चलदे हन उहनां दे खजाने जिहड़े हन उह वड्डे हुंदे जांदे। इस करके उहनां सतसंग प्यारा लगदा है, क्योंकि सतसंग दे विच जपिया होया जिहड़ा है इक तां सवेर दा वेला दूजा सतसंग दा समां है। संगत दे वेले भी देखो इत्थे हर एक जिहड़ा भी आउंदा श्रद्धा भावना दे नाल संगत च आउंदा है, जदों संगत च बहिंदा है सुणन वास्ते कुछ बहिंदा है, उस दे अंदर कोई भावना है कि मैं गुरु की कोई गल सुन लवां, मन एकाग्र है। जदों सारी संगत का मन एकाग्र होवे तो उहदे विच आप आण के वेखांगे तो साडा मन भी एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। ये भावें जिन्ना मर्जी चंचल होवे जे साडे आसे पासे पांच सत जणे बैठे हुए हन एकाग्र मन वाले तो साडा मन भी नाल ही एकाग्र कर देंदे हन। इस करके संगत विच आ के जदों आपां जपदे हाँ, क्योंकि महाराज ने सिख्या यह दिती है ना सानू कि कन्नां दे नाल संगत च आ के तुसीं कथा सुनो कीर्तन सुनो ते जिहड़ा रसना है इहदे नाल नाम जपो। जदों कीर्तन हुंदा है ना देखो, वैसे चलो हुण रवाज पै गया है कि कल्ले रागी गाई जांदे हन, कीर्तन हुण दरबार साहिब दे विच वी वेखो उह सारी संगत नूं नाल बुलाउंदे हन, उस सुर के उत्ते गाते हैं जिदे नाल संगत नाल बोल सके। हुण जदों गाउण वाले दे नाल मिल के संगत गाउंदी है ना उहदे नाल होर रस बनता है। समझ लो कि जे 10 15 20 बंदे बैठे हुए हैं तो आप एक शब्द का कीर्तन किया है तो 20 बंदियां दीयां रसना लग गईयां 20 जणियां नूं 20 20 आ 400, आप 400 वारी उस शब्द का हर एक ने जाप कर लिया। एक बंदे ने एक शब्द गाया नाल उसदे 20 बंदिया ने होर गाया तो 20 बंदिया दीयां रसना इकट्ठियां हो गईयां, हर एक दी रसना नूं 20 रसना लग गईयां, की होया 400 वारी आपां उस शब्द दा हर एक बंदे नूं जिन्ने वेखिया ना वो उन्हां सारिआं नूं ही 400 वारी फल मिल गया 400 वारी शब्द। इस तरह ही नाम है। सो संगत विच आ के एक तां एकाग्रता मिलदी है
दूजा ये जिहड़ा लाभ मिलता है ये बहुत ज़्यादा लाभ है, ये गिनती मिनती कोई नहीं है। सो मारे कहिंदे हन कि अस्सू दे महीने प्यारिया हुण लाहा लै ला, मौसम बदल गया ही हुण लाहा लै ला। असन प्रेम माहड़ा क्यों मिल गया हर जाए, माहा माहड़ा दा मतलब माहा पैदा होना, चाओ पैदा होना। जिवें बच्चे दा विआह होवे ते अपने माहा हुंदा है ना, जिहड़े को तुरिया भी नहीं जाता बजुर्ग दे कोल उह भी भज्जा फिरदा है क्योंकि उमाहा है, चाह है अंदर, ये उमाहा है। कोई होर फर्ज कर लो आपां नूं कितों चार पैसे मिल रहे होण तां वेख लो भज के जाईदा है, उत्थे उह कम भज के करीदा है, ये उमाहा इहनूं कहिंदे हन। इस तरह ही मारे कहिंदे कि जिन्ना जिज्ञासुआं दे अंदर उमाहा पैदा हो गया, जां इंज समझ लईए कि महाराज कहिंदे कि अपने अंदर उमाहा पैदा करो, उत्साह पैदा करो कि मैं रब नूं मिलना है इस महीने दे विच। अंदर चाओ होएगा फिर मिलेगा ना। देखो जे उमाहा ना होवे तो आपां इत्थे नहीं आ सकदे हां। जे पहलां ही आपां सोचिया होया है कि अज मैं महाराज दे जाके दर्शन करने हन तां भज्जे आवांगे, तो जे पहला ही सोच लिए कि नहीं अज नहीं जाना, अज मीह पैंदा है एवें भिज जावांगे, इत्थे तां प्रेम दी खेड है। बाबा फरीद जी दे वचन गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह ने दर्ज किए हैं कि मीह पै रहा है, तो बाबा फरीद जी कहते मैं अपने जाके जिहड़ा मेरा इश्क है उसनूं मिलना है, चखड़ सारे पासे वग रहा है, गड़ियां च चिक्कड़ है, तो मैं की करां हुण, जे जांदा हाँ तो कंबली भिजदी है, कपड़े भिज जांदे हन जिवें आपां सोचदे हाँ, तो जे मैं नहीं जांदा तो मेरा नेह टुकदा है। जिहड़ा नेम बनिया है कि जाके दर्शन करने हैं, गुरु की संगत करनी है, बैठना है, विच कुछ सुनना है, कुछ कहना है, ये नेह खत्म हो जाएगा। एक वारी नेम टुक जाए मुड़के बड़ी औखा जिहड़ा है दोबारा शुरू हुंदा है, बड़ा समा लग जाता है। एक बार बनया हुआ नेम जो टुट जाता है ना, वो मुड़के बहुत देर दे नाल फिर शुरू हुंदा है। इस करके की बाबा फरीद जी कहते हैं कि कोई गल नहीं, कंबली पे जान दो, शक मीह पई जान दो, रब मीह पाई जाए, मैनू की ये नाल है, मैं तो जाके अपने सज्जन नूं मिलना है। गलियां चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे नेह, चलां तां भिजे कंबली, रहां तां तुके ने, भिजो सिजो कंबली अला वरसे मेह, जाए मिलां तां सजणा मेरा तुके नहीं नेह। ये प्यार है, जिथे प्यार है आपां मीह दे विच वी जांदे हन, जाना पवे किते भजना नहीं पैंदा है, फिर कदी वेख्या है मीह है जां कोई होर है। गुरु रामदास पातशाह ने भी यही वचन कहे हन, चखड़ झांगी मीह वरसा ਵੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਹਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੰਬੜੀ ਸੋ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੇ ਉਮਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬੁਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਮਾਹ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ? ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਣੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ,
एक होर दर्शन नानक से अखड़िया भी हैं जिन्हें के संदो महापुरी एक होर अखा हैं जिहड़ियां वाहिगुरु परमेश्वर के दर्शन करते हैं अंदर हैं साडे अखा वो उन्हां अखा के नाल दर्शन किवें होणगे जदों आपां गुरु की संगत च आके बैठते हैं फिर अंदर सुरती होएगी साडी फिर अंदर जदों सुरती जाएगी साडा ध्यान उत्थे जाएगा जे साडी साधना है साडी मल भावना है असी लगे हुए इस पासे तो गुरु की संगत च बैठद ही अंदर शब्द का प्रवाह चल पैंदा है वाहिगुरु गुरमंत्र का प्रवाह चल पैंदा है बैठिया ही संगत बैठद ही जड़े लगे रहिंदे हन उस संगत आउंदिया ही उन्होंने गुरु के दर्शन किते ऐके बैठ गए और जपद्या जपद्या ही एक अजिही होर खेड़ वरतदी है महाराज कहिंदे नौन दे अमृत प्रभु का नाम दे ही मैं इसका विश्राम ये जरा आप बाहर नाम जपते हाँ ये बाहर जरा सतूल नाम है अखरों का बनया हुआ है एक सूखम नाम है वो साढ़े अंदर है अंदर तो सूखम ही रह सकता है ना जरा सूखम नाम है वो साड़ी देही दे अंदर है हुंदा की है प्रगट हो जाता है जदों ये नाम जाके उस सूखम नाम के नाल टकराउंदा है ना तो उससे टकराउण के नाल अंदरला नाम जिहड़ा साडे प्रगट हो जाता की हुंदा फिर सुन समाद अनहत्तै नाद कहण जाई अचर विस्माद ऐसी समाधि लगती है फिर जिथे सारिया गल्लां भुल जांदियां हन सुन समाधि लग जाती सुन समाधि जिथे फुरने रुक जाते हैं अनहत्तै नाद एक अजिही नाद अंदर प्रगट हुंदी है धुनी प्रगट हुंदी है जिहड़ी बहुत ही रस भरी हुंदी है आनंद वाली भरी हुंदी है ये हुण सारी ही खेड है अमृत वेले वरत जावे जां संगत च आ के वरत जावे ये सारा कुछ हुंदा है पर हुंदा किवें है जे अंदर महा होवे तां चाओ होवे तां जे चाओ ही नहीं है इस गल दा फिर तां आपां की करांगे फिर तां जिवें दुनिया तुरी फिरदी है उदां आपां वी तुरे फिरांगे सो कोई आण मिलावे माए दर्शनां दी प्यास है हुण देखो आपां आके गुरु दे कोल बैठ गए गुरु ग्रंथ साहिब जी इत्थे विराजमान हन कोई आण मिलावे माए कोई रब दा प्यारा जिहदी ये प्यास बुझी हुई है वह सानू दसे आ के जोड़ देवे इस पासे साडे मन नूं ते सानू इत्थे बैठिया बैठिया एहसास हो जावे उस मालक दा ये देखो गुरु ग्रंथ साहिब जी किसी गुरसिख के अंदर अंदरों ही बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी जदों बोलना है ना सानू सिक्ख्या देनी है अपने किसी गुरसिख के अंदर वस के सिक्ख्या देंदे हैं इन्हें अपने आप नहीं बोलना तुम इत्थे आओ मत्था टेक लो परिक्रमा कर लो गुरु ग्रंथ साहिब चुप हैं संगत दे विच इसे करके कीर्तन दे कथा हुंदी है देखो कई बार असीं बड़े उदास हुंदे हैं अंदर कीर्तन हो रहा आउंदिया ही नेड़े आउंदिया ही पता कन्न च आवाज़ पैंदे इहो जिहा शब्द आ जांदा है जिहड़ा साडे मन की सारी चिंता ही दूर कर दिंदा है असीं बड़े दुखी हाँ फिर अजकल आए संगत वालों आ रहे हैं अजे बाहर स्पीकर ते हुण आवाज़ आ जाती है उत्थे आवाज़ सुन के औखी घड़ी ना देखण दी अपना बिर संभाले लो जी सारा कुछ ही भुल गया भी वाकया ही याद बड़ी कृपा है गुरु ते बचा लैंदा है भरोसा आ गया ना उस वेले ही मन का जो सुभा एकदम चेंज हो जाएगा ये है फायदा हुण जिहड़ा सुनाउण वाला है वो जुड़िया होया हो अंदर फिर वो आवाज़ चाहे स्पीकर राही आवे चाहे किस तरह आवे उस आवाज़ का सीधा जाके मन नाल टकराव हुंदा जिवें तीर निशाने ते वजदा है ना इंज फिर तीर जिहड़ा है गुरसिखां दे मुख तों निकलिया हर बचन जिहड़ा हुंदा है वह सीधा ही तीर वांग जाके हिरदे नूं छूंदा अणियाले अणियां नूं कहा है गुरु दे बचन अणियाले अणियां हन गुरु अपने गुरसिखां दी रसना दे उत्ते बैठ के इहो जे बचन कढाउंदा है अणियाले तीरां वर्गे जिहड़े सुणन वालियां दे मनां नूं कुंभदे हन सो फिर महाराज तां कहिंदे हन संत सहाई प्रेम के हौ तिनकै लागां पाए
गुरमुख कह लो, संत कह लो, साधु कह लो, कुछ कह लो, गुरसिख कह लो, जो मर्जी कह लो, पर गुरसिख नूं बहुत वडियाई दित्ती है। औखा सब तो की है? गुरसिख बनना। सब तो औखा काम गुरसिख बनना है। संत बनना सौखा है। हाथ जे कंघा लै लो, लम्मा चौड़ा पा लो, गांह तिले वाली जुत्ती पा लो, ऐके किवें जी पग बन लो, आपे बन गए संत। वेख के तुहानूं कहणगे संत जी आ गए, पहरावा वेख के कहणगे। गुरसिख बनना ही औखा है। सब तो औखी गल है। और महाराज ने वडियाई भी गुरसिखां नूं जारी दित्ती, जित संतां दी वडियाई कीती है ना, इस दे नाल ही सब तो वड्डे भाग गुरसिखां दे जो गुरचरणी जाए पड़त्या। ठीक है, संतां दे, ज्ञानियां दे, सारयां दे चंगे भाग हन जिहड़े इस पासे लगे हन। कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कुछ कर रहा है, पर वह गुरसिख जिहड़े प्यार नाल गुरु की शरण में आते हैं, कुछ लैण वास्ते आते हैं, गुरु को कुछ सुन वास्ते आते, गुरु कोल कुछ सुन वास्ते आईदा है, उन्हां गुरसिखां दे वड्डे भाग हन। सो अजिहा कोई गुरु का प्यारा गुरसिख मैनूं मिल जावे, मैं उहदे चरणां दे मत्था टेकदा हाँ, मैं उहनूं नमस्कार करदा हाँ, पर मैं उहदा हर बचन मनण नूं तैयार हाँ। देखो जिहड़ा मत्था टेकना है ना, हुण तां रवाज हट गया, पहलां बीबियां जिहड़ियां विआहीं आउंदियां सन अपने माँ प्यो नूं, जिदा माँ प्यो का सरकार, इदा ही सस सहुरे सवेरे उठ के मत्था टेकदियां सन। हुण भी कई घर दे विच रवाज है। उहदा मतलब की हुंदा है कि सानूं सवेरे सवेर साडे माँ प्यो की आशीर्वाद कोई मिल जाए। जो तुसीं किसी नूं नमस्कार करोगे तां उह आशीर्वाद देगा ना तुहानूं। ये बजुर्गों दे आशीर्वादा लैण वास्ते ही सारा कुछ ही पहला पुरातन सारियां रीतां जिन्नियां सन इस तरह हैं, वो लोग सौखे सन। हुण क्यों सारे पासे कलेश है? क्योंकि परवाह नहीं करते कोई किसी की। इस तरह ही इस मार्ग पर चलदे इस पासे भी यही हालत है। सो कोई भी कोई जन हरसिओ देवै जोड़, कोई जन होवे जरूरी नहीं उन्हें कपड़े साधा वाले पाए होण, कोई भी होवे सानू गुरु ना परमेश्वर ना जुड़ दे। चरण कहो बको शुभ रसना दीजे प्राण कुर। मैं तो उन्हें प्राण भी अर्पण, जे जान देनी पवे वो वास्ते वह भी देने तैयार हाँ। हाँ तिनके लागां पाए, जो किसी को लैना होवे ना फिर न्यू के प्राप्त करीदा है। मंगना होवे जदों उदो हाथ जोड़ के सिर नीवा करना पैंदा है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। जिन्हां दी धौण विच किला ठुकिया हुंदा है ना, धौण नहीं थले हुण दिंदी सिर नूं, उहनां नूं कुछ नहीं मिलता हुंदा, कितें वी नहीं कुछ भी मिलता। चाहे संसारी तौर पर वेख लो, चाहे अध्यात्मिक तौर पर वेख लो। विण प्रभ क्यों सुख पाईआ दूजी नाहीं जाए। समझ आ गई संतां दी संगत करन दे नाल, की समझ आई? परमात्मा दे दर्शना तो बिना, परमात्मा दे मिलाप तो बिना सुख नहीं है। दूजी नहीं जाए कितों होर थां तो सुख नहीं मिलता है। जे सुख मिलता है तो प्रभु की याद विच मिलता है। देखो महाराज ने बहुत उदाहरणा दित्तियां गुरबाणी। एक बच्ची व्याही हुई है, पति परदेस विच है, उसनूं याद करती है ना, उधर पति भी याद करता है। यदा मतलब यह है कि जो सिख गुरु नूं याद करता है, सिख पत्नी की न्याई है, तो गुरु पति भी याद करता है उसनूं। ये जिहड़ा एक दूजे नूं याद करना है, यही मिलाप है। शरीरां दा मिलाप थोड़े चिरे हुंदे हन, यह मिलाप सदा दा है। तो सानू महाराज ने कहा है कि भाई तुसीं अजिहा मिलाप करो गुरु दे नाल जिहड़ा सदा रहण वाला होवे, वह मिलाप करो। वो किहड़ा है? अंदरों मिल जाइए गुरु दी याद विच जुड़े रहिए। यह ना समझिए कि गुरु नूं मत्था टेक के बस साडा कम निपट गया है, कथा कर ली, कीर्तन कर लिया जी, सुन लिया जी, बस साडा कम निपट गया है। जदों चले गए उदों भी गुरु नूं याद रखिए।
गुरु दियां गल्लां सानूं याद आउंदियां रहन, फिर सुख मिलता है। बाकी कोई थान नहीं, जे जिथे मर्जी चलो तुसीं, किसे रिश्तेदार दे चलो। कई वारी बंदा घर दुखी हुंदा है ना, कहिंदा मैं चलिया करूं, कि रिश्तेदार को बैठ, उत्थे होर दुखी हो जाता है, किन्ने दिन रोटी देगा कोई। जां कहिंदा चलो किसे गुरुद्वारे जाके बह जाने, चलो नहीं तो किसे मंदिर चलने, किसे तीर्थ चल जाने, उत्थे होर दुखी हो जाता है। सुख तो गुरसिखा तेरे अंदर है, तू अपने अंदरों क्यों नहीं भालदा? तेरे अंदर सुखां दा सोमा तेरे अंदर है, उस अंदर सुखां दे सोमे दे नाल जुड़ जा, उहदी याद विच जुड़। जिहड़ा याद विच जुड़ना है इहनूं प्रेम कहिंदे हन। प्रेम जिथे उत्थे याद है, जिथे याद है उत्थे प्रेम है। ये प्रेम ही सब कुछ है। जदों रब मिल गया, जदों रब मिल गया, हुण जिद्दां पता नहीं, क्योंकि महाराज ने कहा है कि जो नदियां नाले समुद्र च चल के जाके समा जाते हैं, फिर वक्रे नहीं रेंदे, फिर पछाणोगे किवें कि आ नदी का पानी है तो आ समुद्र का पानी है? पछाण नहीं सकते। तुसी जिहड़े वाहिगुरु परमेश्वर नाल भेद हो गए, उन्होंने पछाणी कोई नहीं है, कोई नहीं जानता उन्होंने ना। वो कहिंदे असीं रब नूं मिल गए हाँ, जिन पाया तिने छपाया, चुप रहिंदे हन। इहो जिहियां गल्लां दे उत्ते कहिंदे नहीं मैं रब नूं पा लिया है। हाँ वो ये जरूर कहिंदे हन, भाई तुसीं वी याद करो, मैनूं बड़ा आनंद आउंदा है उहनूं याद करन नाल। सिमरन जिहनूं कहिंदे हन, जिहनूं सिमरन कहिंदे हन, वो याद है। वो ये कहिंदा तुसीं वी सिमरन करो, उहदा तुहानूं वी आनंद आएगा। जिहड़ा विछोड़ा जदों हुंदा है ना, चाहे संसारी होवे चाहे इधर दा होवे, विछोड़े विच याद करीदा एक दूजे नूं। वो विछोड़े जिहड़ी याद है ना, ये आनंद है। जदों मिलाप हो गया उदों तां खत्म हो गया, आनंद ही खत्म हो गया, उदों थोड़ा जिहा मिलाप है। इस करके महाराज कहिंदे कि मैं उन्हां दे चरणां नूं नमस्कार करदी हाँ, जीव स्त्री कह रही है, जिहड़े मेरी मदद करन मेरे मालक नूं मिलाउण विच। वो कौन हन? संत। संत दा काम की है? देखो गुरु नाम बख्शदा है, सानू ज्ञान दिंदा है, नाम दिंदा है। संत दा काम की है? नाम जपाउणा ते जपना, पहला आप जपना फिर दूजे नूं जपाउणा, प्रेरणा करनी। प्रेरणा करनी जिहड़ी है नाम जपण दी, ये संत दा काम। कबीर सेवा को दोए भले एक संत इकराम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। संत दा काम नाम जपना ते जपाउणा है, होर उहदा काम नाम नहीं दे सकदा किसे नूं। भावें किन्ना वड्डा संत है, किसे नूं नाम नहीं दे सकदा, आगे ही नहीं है। नाम केवल गुरु को मिलता है। बिन सतगुर नाम ना पाईए पाई, बिन नामे भरम ना जाए। गुरु तो बिना नाम मिलता नहीं है, तो नाम तो बिना भरम नहीं दूर हुंदा, भटकते रहिंदे हाँ असीं। विण प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी नाहीं जाए। एहसास हुंदा है इस महीने दे विच, इस महीने दे नाल ध्यान रखना। इस ये महीना जिहड़ा चढ़िया है, ये बड़ा सुहावना। अज तक कुदरती वेखो मीह पै गया, होर सुहावना बन गया, रुत्त बदल गई ना, ये रुत्तां दा बदलना। सो दूजी कोई थान नहीं जिथों सानूं सुख मिले। जिनी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे गाए। ये जिहड़ी याद दा प्रेम रस है, याद करना, सिमरन, सिमरन करना अपने मालक दा, गुरु नूं याद करना, नाम जपो वाहेगुरु वाहेगुरु, फिर बाणी पढ़ो। जो बाणी सिक्ख्या दे रही है पढ़दिया होया, उस नूं मन लो, फिर वो करो। जो बाणी चो सिक्ख्या है, हुण सुखमणी साहब सारा पढ़ लिया तो एक किणका भी साढ़े अंदर नहीं वसिया, पढ़िया ना। वो कबीर अज कबीर जी ने यही समझाया है ना, पढ़ लिया मन में संतुष्ट होगी, मैं पाठ कर लिया, पर किणका तो कोई नहीं वसया। महाराज कहिंदे किणका है कि जिस जीव साध तां की महिमा गनी ना आवे। और जिहड़ी गल पकड़न वाली शुरू जी महाराज ने कहती, सिमरन करया करो प्यारे, प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा,
प्रभु के सिमरन उतरा मुचा यह सब तो वड्डी गल धर्म च है सिमरन याद करना ये करो बड़ी दुनिया तर के सिमरन करके तुसीं भी याद करो पर नहीं फिर उत्थे दे उत्थे ही सुन लियां गल्लां पढ़ लियां गल्लां बस उत्थे दे उत्थे फिर उत्थे जिन्हां ने इस प्रेम का रस चख्या है ना वह संतुष्ट हो गए तृप्त रहे आगाए जीवन में संतुष्टि जिहड़ी है सब तो वड्डी अमीरी है प्यारियो किस को वध धन है वो धनी नहीं है राजा भी जड़ा है वह भी धनी नहीं है धनी वो है प्रभु को सिमरें से धनवंते धनी वो जे जरा सिमरन करता है वह धनी है मन तृप्त संतुष्ट है जो को चार रुपये है कोई आ गया लोड़वंद वो एक रख लेगा को अपनी लोड़ वास्ते तीन उन्होंने दे देगा यदि लोड़ पूरी हो जाए इन कहते तृप्ति ये साड़ियां वगैरह वगैरह च गुण सीगा संतुष्टि जदों अद्धी खन्नी रोटी देंदे सी ना मीर मनु दी लाहौर दियां जेलां च बीबियां नूं तां जदों चप्पा खन्नी की उन्हें चौथा हिस्सा रोटी देनी दो न्याणे नाल हन आप खावेगी कि उन्हां नूं खवाएगी बच्चे भी भुखे हन हुण इस हालत विच कई वारी इहो जिहा हुंदा सी कि जिहड़ी चौथा हिस्सा रोटी सी उन्हों भी कई कई जने रड़के बुरकी करके सारे खाते सन इनू कहते तृप्ति संतुष्टि उन्हों का ना अज आप लै रहे हैं क्यों कि सिमरन करके संतुष्ट हो गए जीवन के आप त्याग बेनती कर रहे लिहो प्रभु लड़ लाए अपनी मैं नू मेट के सदा यह कहते हैं सच्चे पातशाह अपने लड़ ला के रखी गुरबाणी में जिहड़ी चार लावां की सिक्ख्या है ना असी तो एक रसम पूरी कर देंगे है ना छिर छिरी कर दो भाई साहब जी मुड़के किसी ने कभी लावां वाला शब्द नहीं पढ़िया ना कभी सुनिया है भाई साहब ने बेचारे ने अपना उन्होंने लाग दे नाल हुंदी है वह नाराज कर संगत में वह छेती छेती कर देंगे उन्होंने भी छेती हुंदी है उन्होंने जाके अपने न्याणे सामने हुंदे हन इस करके सारी एक रसम पैदा पूरी हो गई हुण सिख्या की सी उहदे विच ना किसी ने सुनी ना किसी ने पता ना किसी ने बाद च पढ़ी वो सिख्या इस यही सी जीव स्त्री नूं कि सरा आ तैनूं जिहड़ा पल्ले टेंके लग गई तैनूं जिहड़ा पल्ला फड़ाया छड्डी ना जीवन दे विच सुखी रहेंगी दुनिया भी सिख्या सी दूजे पासे तैनूं गुरु ने जिहड़ा पल्ला फड़ाया है ना नाम बाणी का संगत का इस पल्ले नूं छड्डी ना सुखा रहेगा ये है लड़ ला के रखना ये गुरसिख की रोज़ ही अरदास होनी चाहिए है नितनेम दे विच अरदास होनी चाहिए सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा करो मेरिया लत्तां च बल बख्शो मेरे शरीर बल बख्शो कि मैं तेरे दर तेरी संगत दे दर्शन कर सकां कई बार कमजोरी आ जाती है शरीरों में जदों अरदास करांगे गुरु साडे शरीर नूं तकड़ा भी कर दिंदा है यही महाराज ने कहा ना गुरमुख पुगे कदे नाहे जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान जिन्हां दी सुरती वाहेगुरु जुड़ी है वह नहीं बुगे होंगे बुगे का मतलब शरीर ना समझो चढ़ती कला रेंदे बाबा बुगा जी वेख लो छेवें गुरु साहिबां तक चढ़ती कला च रहे हैं जो हर कंत मलाइयां से विछड़ कदे ना जाए जिन्हां नूं इन अरदासां सुन के वाहेगुरु परमेश्वर ने अपने नाल मेलना तो है ही है ना जो तरले लवेगी जी विस्तरी तो विछोड़े तो बाद मेल है विछोड़े जड़े तरले होंगे हैं लाए जड़ा रोना आता है विछोड़े दे रोना भी आता है वैराग आता है विछोड़े के कारण वो वैराग जड़ा है वह मिलाप करा दिता है वह प्रेम का प्रेम के आंसू होंगे अखा जुड़े निकलते हैं वो रोना संसारी नहीं वो रब दे प्यार दे जड़े हैं वो हंजू होंगे अखा च पानी जड़ा वगदा है वो प्रेम च रोंदे हैं वाह फिर नहीं विछोड़ा है जे साडे अंदर प्रेम होएगा गुरु दे नाल ते गुरु सानू क्यों छड्डेगा जिस स्त्री का पति नाल प्रेम है पति क्यों नहीं छड्डेगा कदे हो सकदा
जे अंदरों कोई कसर है तो ता ही अजिहा कुछ सारा कुछ वापरता है, नहीं तो आनंद कार्य जिहड़ा है ना, आनंद कार्य है आनंद कार्य दा मतलब भी गृहस्थी जीवन दे आनंद मानना है। तू मैं थोड़ी है, पर गल नहीं आप सुनते, गुरु की गल नहीं सुनते, सब कुछ छड़ दें। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरण आए, वो शरण में पै रहे हैं इस महीने में ही नहीं सदा ही, और होर नहीं किसी के उत्ते भरोसा रखते। बथेरे हैं पाई गहे जबते तुमरे तब ते कुवांक तरे नहीं, पाई गहे जदों ने तेरे मैं चरण पकड़ ले हैं। पाई गहे का मतलब पाई पाठ करना है, पाए नहीं है पाए पर तेरे पैर चरण गहे पकड़ ले हैं, जबते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने, आंख तरे नहीं आने, मैं अपनी अखा के सामने किसी लिया ही नहीं, मैं वेखदा ही नहीं किसी दूजे वाल। राम रहीम प्राण क्राण अनेक कहे मत एक न माने, हैगे बड़े राम रहीम वर्गे कई बड़े होर हैं धर्म ग्रंथ भी, पर मैं नहीं मानता किसी ने, है ना, रोज़ पढ़ते हैं पर फिर विश्वास नहीं आता अपने गुरु के उत्ते। जिन्हों विश्वास आ गया महाराज इस महीने राही सुहावना मौसम है, महाराज कहिंदे कि प्यारियो वह सदा ही शरण में रहिंदे हैं, असू सुखी वसंदियां जिन्ना मया हर रहे असू दे महीने सुखी वसदियां हैं जीवित ने आप, वो सारे ही प्यारे गुरु दे सुखी रहिंदे हैं जिन्ना ते मया, मया का मतलब मेहर, जिन्ना ते हरी राय की वाहेगुरु परमेश्वर की मेहर हो जाती है, गुरु की मेहर हो जाती है। देखो असी सोचते हैं साढ़े माँ प्यो साढ़े तो सदा खुश रहन, बच्चे सारे सोच रहे हैं माँ प्यो साढ़े तो, साढ़े बच्चे भी सोच रहे हैं साढ़े माँ प्यो खुश रहन साढ़े तो, इस तरह असी भी सोचते रहे इस तरह साढ़े तो वगे वह भी यही सोचते रहे साढ़े माँ प्यो खुश रहन। पहला तो सब तो पहला गुरु तो माँ प्यो ही है ना, जिन्हें जन्म दिता है जिन्हें पहला सिक्ख्या देनी है उन्होंने खुशी बहुत वही है। सो जदों बंदे की सोच ये हो खुश रहन फिर उन्हें किवें खुश होणगे, उन्हां दी गल मान लो जिहड़ी गल तां उन्हां दा एक जीवन का तजर्बा है तो उस गल नूं तुसीं मान लो, तुहानूं चंगी सिक्ख्या दे रहे हैं नहीं मनोगे वो कहणगे जा खसम नूं खा तुरै, फिर की होएगा धक्के खांदा फिरेगा। जिन्हें मन ली गल माँ प्यो की खुशी हो गई, वो कई बार घर दिया चाबियां भी उन्होंने फड़ा देंगे, लै पुत आ संभाल हूँ सारा घर, मैनू पता लग गया है कि तू हूँ इस योग हो गया है, बिल्कुल इस तरह ही इधर है। सानू गुरु की हर गल मननी पैनी है, ये नहीं कि आ गल मैं चंकी लगती है आ नहीं जी मैं ठीक लगती, मैं सवेरे उठ नहीं सकता महाराज यदि माफ़ी दे दो मैनू, मेरे को सारा नितनेम नहीं होंदा महाराज दे दो माफ़ी मैनू, मैं अमृत नहीं छक सकता दे दो माफ़ी, ये की होया इदा नहीं गल बनती। बीस विसवै गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, भी विसवे मतलब पूरी तरह हर गल गुरु दी नूं जिहड़ा मनदा है उहदा परमेश्वर नाल मिलाप हो जाता है। असू सुखी वसंदियां जिन्ना मया हर है, सो हर राय साडा गुरु है, हर राय साडा रब जिहड़ा है गुरु है ना, गुरु नूं खुश कर लो किवें, कल संगरांद वाले दिन ना आया करो, गुरु ने कहा तुहानूं कि संगरांद वाले दिन आ जाया करो जां मस्या पूर्णमाशी वाले दिन कदे इशनान कर आया करो, गुरु तो कहना गुरसिखा रोज़ आया कर। माँ प्यो बच्चों वेख के सामने खुश होंदे हैं विकसते हैं, जिमें माँ प्यो खुश होंदे हैं बच्चों सामने वेख के अखा दे, इंज गुरु सागा जिहड़ा है गुरसिख रूपी बच्चों वेख के खुश होंदा, देख लो ऐ जे मजा ये जे कृपा जे लैनी है सतगुरु जी कृपा करन। इस महीने दे राही जो वसू दे महीने राही जो उपदेश मिलया है सानू वो तत् सारे दा ये है कि याद विच जुड़ जाए,
ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੋ ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਲੱਥੇਗੀ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਜੂਠੀ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਚੀ ਕਰਦੇ? ਚੂੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜਪੋ, ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਕੱਢੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਸ ਰਸਨਾ 'ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਲਾ ਆਵੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਕੁਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।